दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस, अगर आप कोटक न्यू ऐप के जरिए इंस्टा ट्रेड करने की सोच रहे हो या फिर करने वाले हो, सो करने से पहले गाइस आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना है, ताकि जो मिस्टेक मैंने कर दिया है वो मिस्टेक आप ना करो और फिर आप इजीली यहाँ पे इंस्टा ट्रेड कर सको। सो अभी कौन सी मिस्टेक है एंड क्या मैंने मिस्टेक किया हुआ था, सो चलिए मैं आपको सीधा कोटक न्यू ऐप में बता देता हूँ। सो इसको मैं ओपन करूँगा। अभी आप जैसे ओपन करोगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। वैसे गाइस यहाँ पे मैं इंस्टा ट्रेड कैसे करना रहता है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मिस्टेक के बारे में। सो अभी यहाँ पे मैं सीधा इंस्टा ट्रेड पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे सीधा इंस्टा ट्रेड में आ जाओगे। अभी गाइस मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे आप देखोगे मेरा यहाँ पे एक पोजिशन चालू दिखा रहा है एंड यहाँ पे मैं आपको इंस्टा पोजीशन भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे 21,950 का इंस्टा ट्रेड में इसी जगह पे ऑप्शंस को बाय किया था, बट गाइस मैंने गलती क्या कर दिया था कि मैंने यहाँ पे जो भी अकाउंट है इसी अकाउंट को मैंने लॉगिन किया अपने लैपटॉप में एंड वहाँ पे फिर जो पोजीशन थी इसको मैंने स्क्वायर अप कर दिया था। बट गाइस फिर भी यहाँ पे स्क्वायर अप करने के बाद भी यहाँ पे आपको जो भी पोजीशन रहेगा चालू देखने को मिलेगा, और अगर आप इसको स्क्वायर अप करने भी जाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर अप भी नहीं होगा, यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर रिजेक्टेड करके आ जाता है, क्योंकि जो भी पोजीशन इसको मैंने ऑलरेडी स्क्वायर अप कर दिया लैपटॉप से कंप्यूटर से, बट फिर भी यहाँ पे एक ग्लिच टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहेगा पोजीशन, और गाइस यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस भी शो होता रहेगा। सो गाइस जो भी एक ग्लिच है इसी टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ऊपर भी इंस्टा टोटल लॉस एंड प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको इस साइड में। अभी ये जो भी ग्लिच है इसको आप कैसे सही कर सकते हो, सो गाइस इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड जो भी पोजीशन है यहाँ पे मुझे 2 से 3 दिन हो गया है कंटिन्यूस अभी ये पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है। अभी जो भी पोजीशन है जैसे इसका एक्सपायरी एंड हो जाएगा 21 मार्च को, सो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी इंस्टा पोजीशन है ये हट जाएगा, तब तक यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है हटने का। सो ऐसे यहाँ पे आपको इसको फिर इग्नोर करना रहेगा अगर आप इस टाइप का मिस्टेक कर देते हो। एंड जो भी मिस्टेक है इससे आप कैसे बच सकते हो, सो गाइस आपने मान लीजिए कभी भी आपने यहाँ पे कोई भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को बाय किया, सो आपको इसी जगह से इंस्टा पोजीशन में से ही जो भी पोजीशन रहता है उसको स्क्वायर अप कर देना है, ताकि आपको फिर फ्यूचर में इस टाइप का मिस्टेक देखने को ना मिले और जो भी आपका पोजीशन है फिर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जितना भी आपका इंस्टा ऑर्डर रहेगा उसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना ओपन है कितना क्लोज है, सो यहाँ पे आपको नीचे पूरा देखने को मिलता रहता है कुछ इस तरीके से। सो गाइस ये एक ऐसा ग्लिच है जो कि गाइस आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है जब भी आप फ्यूचर में कभी भी आप कोटक न्यू ऐप के जरिए इंस्टा ट्रेड करोगे। एंड बाकी गाइस अगर मैं आपको पोजीशन में भी दिखाऊं, सो यहाँ पे आप देखोगे पोर्टफोलियो में यहाँ पे भी मेरा कोई भी पोजीशन नहीं दिखा रहा है, जबकि गाइस यहाँ पे मेरा इंस्टा ट्रेड में पोजीशन दिखा रहा है। सो गाइस यहाँ पे पोजीशन में इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो भी पुट ऑप्शन था इसको स्क्वायर अप कर दिया था, बट ये इंस्टा पोजीशन में एक वर्चुअल टाइप का यहाँ पे आपको दिखाता रहता है फिर। और बाकी गाइस यहाँ पे आप जैसे इंस्टा ट्रेड को क्लोज करोगे सो यहाँ पे भी आपको एक नोटिफिकेशन टाइप का देखने को मिल जाता है कि जो भी आपका ट्रेड है सो यहाँ पे आपको इंस्टा ट्रेड पे ही क्लोज कर देना है उसको, ताकि जो भी आपका इंस्टा पोजीशन है ये सही क्वांटिटी में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करे। सो ऐसा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, और अगर आप ऐसा मिस्टेक करोगे सो फिर यहाँ पे आपको ऐसा जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो रहेगा यहाँ पे आपको होता रहेगा जब तक इसका एक्सपायरी एंडिंग नहीं होगा। और बाकी इस ऐसे यहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, आप इजीली यहाँ पे इंस्टा ट्रेड पोजीशन वगैरह ले सकते हो कर सकते हो ट्रेड। और बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है प्रॉब्लम आता है तो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।